हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द ब्रायोफाइटा। हमने वहाँ पर ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट वन इज द टेरिडोफाइटा। एंड टेरिडोफाइटा नोन एज द वस्कुलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, नोन एज वस्कुलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट की। आज की इस वीडियो में हमें इसके टेरिडोफाइटा के जनरल फीचर्स के बारे में बात करनी है कि इनके करेक्टर क्या क्या होंगे। देखिए, आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज टेरिडोफाइटा नोन एज द वस्कुलर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। अगर खाली एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम पूछे तो आंसर आएगा ब्रायोफाइटा। बट यहाँ पर बेटा वस्कुलर बंडल डेवलप हो चुके हैं, जाइलम फ्लोएम यहाँ पर टिश्यू आ चुके हैं, तो उन्हीं की वजह से यहाँ पर वस्कुलर वर्ड यूज किया गया। ठीक है, तो दोनों का आंसर अलग अलग है। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इज द ब्रायोफाइटा एंड द वस्कुलर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इज द टेरिडोफाइटा। ठीक, तो दिस वन इज द फर्स्ट ट्रेकियोफाइट, फर्स्ट ट्रेकियोफाइट है। फर्स्ट ट्रेकियोफाइट का मीन यहां पर जाइलम एंड फ्लोएम गेट डेवलप्ड। ठीक है, वो डेवलप हो गए थे। लेकिन ये भी कैसे, सीडलेस प्लांट है। ठीक है, इसके अंदर अभी तक भी सीड की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, ना एल्गी में हुई थी, ना ब्रायोफाइटा में, ना ही टेरिडोफाइटा में। एंड बेटा दिस वन इज द फर्स्ट कॉर्मोफाइट प्लांट, ये फर्स्ट कॉर्मोफाइट प्लांट हो गया। फर्स्ट कॉर्मोफाइट का मीन, कॉर्मोफाइट क्या होते बेटा, जिनके अंदर रूट स्टेम लीव्स वेल डिफ्रेंशिएटेड हो, अलग अलग हो, साफ साफ दिखाई दे, उनको आप कॉर्मोफाइट बोलते हो। तो रूट स्टेम एंड लीव्स आर वेल डिफ्रेंशिएटेड। वेल डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम हैबिटेट की बात कर दें, नेक्स्ट हम बात करते अबाउट हैबिटेट। तो बेटा हैबिटेट जो इनका वो स्पेसिफिक है, दे जनरली फाउंड इन कूल डैम एंड शेडी प्लेसेस। ऐसी जगह पर मिलेंगे जहां पर टेम्परेचर कम हो, मॉइस्चर वाला हो, छाया वाला हो, वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इवन वहां पर सैंडी कंडीशन भी होनी चाहिए, यानी कि वहां पर मिट्टी भी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो सैंडी कंडीशन, सैंडी सोइल हो, तो वहां पर ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। अब इतनी इनकी टिपिकल रिक्वायरमेंट है, तो इस टिपिकल रिक्वायरमेंट की वजह से बेटा ये एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही मिलेंगे, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो इनकी कंडीशन आप देख रहे हो, काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कंडीशन आर रिक्वायर्ड, सो ग्रो इन लिमिटेड एरिया। तो इसलिए ये लिमिटेड एरिया में ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा और अगर हम बात करें तो यहां पर लाइफ स्पेन की अगर बात करें तो यहां पर लाइफ स्पेन में दोनों फेज आएगी, गेमेटोफाइट भी आएगी और स्पोरोफाइट भी आएगी। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, एल्गी पढ़ा है या फिर ब्रायोफाइटा पढ़ा है, उसमें डोमिनेंट फेज आती थी आपकी गेमेटोफाइट एंड कंडीशन आती थी। बट यहां पर जो डोमिनेंट फेज होगी दैट विल बी द स्पोरोफाइट। तो बेटा नेक्स्ट इज द प्लांट बॉडी की बात कर लेते हैं। प्लांट बॉडी,
जो प्लांट बॉडी है दैट इज टू एन कंडीशन भी है, टू एन कंडीशन इन्होंने द स्पोरोफाइट एंड द एन कंडीशन इन्होंने द गैमेटोफाइट, ठीक है। और जिसमें डोमिनेंट फेज रहेगी दैट इज डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, यानी कि जो 2n है वो मेन है, ठीक है। ज्यादा लंबे टाइम के लिए ज्यादा एडवांस है तो ये ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगी, तो इसलिए ये इसकी डोमिनेंट फेज करेगी। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करके स्पोरोफाइट में क्या क्या आएगा और गैमेटोफाइट में क्या क्या आएगा तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्पोरोफाइट विल डील अबाउट ट्रू स्टेम, स्पोरोफाइट किसको इंक्लूड करेगा, इंक्लूड द ट्रू स्टेम लीव्स और रूट। देखो ट्रू वर्ड यूज करा तो यहां पर टू एन कंडीशन होगी और वस्कुलर बंडल की सप्लाई होगी। गैमेटोफाइट की अगर बात करें तो रिड्यूस मल्टीसेलुलर ग्रीन फ्री लिविंग प्रोथैलस की फॉर्मेशन यहां पर हो जाए, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू की अगर बेटा बात करें, नेक्स्ट वन इज द वस्कुलर टिश्यू, तो वस्कुलर टिश्यू में देखिए दोनों चीजें जाइलम भी और फ्लोएम भी है, जाइलम एंड फ्लोएम, बट कंप्लीट नहीं है। इनमें से कुछ कंपोनेंट क्या हैं, अब्सेंट है। जाइलम के अंदर वेसल क्या है, अब्सेंट, वेसल अब्सेंट, ठीक है। तो अगर वेसल अब्सेंट है तो जो मेन वाटर कंडक्शन का काम होता है वो किसका होगा, तो वाटर इज कंडक्टेड बाय ट्रैकेट, वेसल के बेटा जाइलम में चार कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से थे आपको पता ही है, एक वेसल, दूसरा कौन सा था ट्रैकेट, उसके बाद में एक जाइलम फाइबर और एक जाइलम पेनकाइमा, ये चार होते हैं। उसमें से जो मेन जो कंपोनेंट है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाले वो होते हैं आपके वेसल, लेकिन बेटा वेसल इधर क्या है, अब्सेंट है, तो मेन इधर क्या मिलेगा, ट्रैकेट ही मिलेगा। अगर बेटा फ्लोएम की बात करें तो यहां पर सीव ट्यूब की होगी अब्सेंट, सीव ट्यूब अब्सेंट है, ठीक है। कंपेनियन सेल भी क्या है, अब्सेंट, अब्सेंट है। तो फिर फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगी, तो इट हैज सीव सेल, सीव सेल इज प्रेजेंट। कि फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के अब्सेंट है, इन दोनों की जगह पर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगी कौन करेगी, दैट इज द सीव सेल। तो यहां पर सीव सेल क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। बेटा नेक्स्ट वन आती है लीफ, जो इसकी काफी मेन है कॉम्पिटेंस एग्जाम में, जो लीफ का पार्ट है काफी मेन है यहाँ पर। तो नेक्स्ट वन इज द लीव्स, इनकी लीफ की खास बात ये कि देयर लीफ बियर द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया का मतलब वो जो एसएमसी टिश्यू स्पोर मदर सेल को कंटेन करता है, जो आगे जाके स्पोर की फॉर्मेशन करता है, तो दैट इज नोन एज द स्पोरेंजिया। तो इनके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। तो देयर लीफ हैव द स्पोरेंजिया एंड दोज लीव्स आर नोन एज द स्पोरोफिल, और ऐसी लीव्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। नोन एज स्पोरोफिल, ठीक है। अब बेटा जो ये स्पोरंजिया बना है, इसके बनने की दो कंडीशन हो सकती है, स्पोरंजिया बनने की दो कंडीशन है, कि इसका डेवलपमेंट एक सेल से हुआ है या फिर दो सेल से हुआ है, ठीक है। तो स्पोरंजिया के हम दो टाइप पढ़ेंगे, दो टाइप कौन कौन से हैं,
एक तो लेप्टोस्पोरेंजेट, कंडीशन है, और एक है यू स्पोरेंजेट कंडीशन है। ठीक है, ये दो। तो अब इनको हम डिटेल से देखते हैं कि लेप्टोस्पोरेंजेट और जू स्पोरेंजेट, ये सॉरी यू स्पोरेंजेट कंडीशन क्या है, ये चीज हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, हमने बोला कि जो स्पोरेंजी है उसके बनने के दो टाइप हैं। एक तो कौन सा है, लेप्टोस्पोरिंजेट, और दूसरा कौन सा है, यूस्पोरिंजेट। ये दो। अब ये कंडीशन है क्या लेप्टो और यूस्पोरिंजेट की, ये हमें देखना है। बेटा लेप्टोस्पोरिंजेट के बनने में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल इंक्लूड होगी, ओनली वन सेल इज इन्वॉल्व। ठीक है, एक ही सेल यूज होगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरिंजेट कंडीशन बोलते हैं। तो जो लेप्टोस्पोरिंजेट की जो एग्जांपल है, जहां जहां पर ये मिलेगी, वो एग्जांपल है, दैट इज टेरिस, बेटा ये प्लांट के नेम है, ब्रायोटेरिस, एडियंटम, अजोला एंड द साल्विनी। ये सारे के सारे लेप्टोस्पोरिंजेट के एग्जाम्पल हैं। यूस्पोरिंजेट का मतलब वो स्पोरिंजा जिसके बनने में एक से ज्यादा सेल यूज हो, तो यहां पर मोर देन वन सेल आर यूज टू मेक द स्पोरेंज। स्पोरेंजिया बनाने के लिए एक से ज्यादा सेल की इन्वॉल्वमेंट होगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा यहां पर, दैट इज सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम एंड इक्विस्टन। ये तीनों फेमस एग्जाम्पल है किसके, यू स्पोरेंजेट कंडीशन के एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद में बेटा हम डील करते हैं अबाउट द स्पोरेंजिया, कि जो स्पोरेंजिया है उसमें कौन सा टिश्यू होगा, उसका क्या काम होगा, वो हमें यहां पर डील करना है। तो हमने पढ़ा है कि जो स्पोरेंजिया है हैव टू एंड टिश्यू, डिप्लोइड नेचर के है, उसमें जो टिश्यू मिलेगा एसएमसी टिश्यू, स्पोर मदर सेल, उसकी प्लोइड भी कितनी होगी बेटा, टू एन। अब ये जो टिश्यू है दैट विल अंडरगो द मियोसिस, किस में जाएगा, ये मियोसिस में जाएगा, और तब मियोसिस में जाएगा तो मेक द मियोस्पोर, किसकी फॉर्मेशन करेगा, मियोस्पोर की फॉर्मेशन करेगा, जिसकी प्लोइडी क्या होगी, प्लोइडी विल बी द एन, उसकी प्लोइडी एन होगी। ठीक है, उसके बाद में जो मियोस्पोर है, बेटा यहां पर हम बात करते हैं किसकी, मियोस्पोर की बात करते हैं, जो स्पोर मियोसिस से बने दयानों ने द मियोस्पोर। मियोस्पोर की दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो स्पोर एक जैसे दिखाई दे तो उन्होंने द होमोस्पोरस कंडीशन, अगर अलग अलग दिखाई दे तो क्या बोलेंगे उसको, हेटरोस्पोरस कंडीशन बोल देंगे। तो यहां पर होमो स्पोरस कंडीशन, और दूसरी दैट इज हेट्रो स्पोरस कंडीशन। ठीक है, दो टाइप के स्पोर यहां पर डेवलप हो सकते हैं, होमोस्पोरस जो सेम टाइप के स्पोर हो दे आर द होमोस्पोरस,
हेटरोस्पोरस में डिफरेंट टाइप्स स्पोर, इसमें अलग अलग टाइप की स्पोर बनेंगे। ठीक है बेटा, होमोस्पोरस में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, ये काफी मेन है। स्पोरस कंडीशन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है कि होमोस्पोरस कहां पर है और हेटरोस्पोरस कहां पर है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट इधर बनता है। तो होमोस्पोरस के एग्जाम्पल आ जाएंगे ड्रायोटेरिस, टेरिस, लाइकोपोडियम, और लास्ट वन इज द एडेंटम। देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो फेमस एग्जांपल है इसके मेन मेन वो मैं इधर बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। हेट्रोस्पोरस के कौन कौन से बेटा, हेट्रोस्पोरस में जाओगे आएंगे अजोला, साल्विनिया, थर्ड वन इज द मार्सिला, फोर्थ वन इज द आयोसिटिस, ये पहले ले लेते हैं स्लेजिनेला एग्जांपल, एंड द लास्ट वन इज द आयोटिस या फिर आयोसिटिस। यो बेटा ये एग्जांपल काफी मेन है फॉर द कंपटीशन पर्पज। ठीक है, इनको याद करने के लिए हम कुछ कोड बना लें, डी पी, डी पी आजकल तो काफी रनिंग में है, व्हाट्सएप के ऊपर डी पी नहीं लगा रखी, डी पी चेंज करो, है ना। किसी ने नहीं लगा रखी तो आप इवन सजेस्ट भी करते हो कि डी पी लगाओ, तो वो बोलता है कि डी पी डेस्कटॉप पिक्चर लगाऊंगा आज, है ना, डी पी लगाऊंगा आज। ड्रायोटेरिस, टेरिस, लाइकोपोडियम और एडेंटम, डी पी लगाऊंगा आज। ठीक है, इधर देखो, इधर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हो, मान लो आप कहीं अच्छी जगह पर पोस्टेड हो, नैनीताल, शिमला, कहीं पे भी हो, टूरिस्ट प्लेस है, तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हो, आ जाओ सारे साथी मेरे इधर। ठीक है भाई, मेरे इधर घूमने के लिए आ जाओ, अच्छा मौसम हो रहा है, रहने खाने का आपका सब कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, सिर्फ आपको घूमने आना है, तो आ जाओ सारे साथी मेरे इधर। ठीक है, इस एस को ऊपर लिख लोगे सेलेजिनेला को, तो एक कोड बन जाता है। आपको सिर्फ अल्फाबेट की हेल्प में लगी कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं बेटा, लेकिन इसको याद करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सा एग्जांपल किसके अंदर आता है। ठीक है, ये तभी याद होगा आपको। तो ये हो गए बेटा स्पोर की कंडीशन, कि कौन कौन से स्पोर है, इसमें क्या क्या कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। देखिए जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है उसमें दो टाइप के स्पोर आ रहे हैं, तो वन इज द माइक्रोस्पोर एंड सेकंड वन इज द मेगा स्पोर। हेट्रोस्पोरस के ये दो टाइप हैं। माइक्रोस्पोर एंड द मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर का मीन वो स्पोर जो छोटे साइज के हैं, और मेगा स्पोर जो कैसे हैं बड़े साइज। और आपको पता है कि जनरली जो मेल गैमिट होते हैं दे आर द स्मॉल इन साइज, तो यहाँ पर जो ये गैमेटोफाइट बनेगा बेटा वो मेल नेचर का बनेगा, और ये आगे चल के एंथ्रेडियम की फॉर्मेशन करता है, मेक द एंथ्रेडियम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें मेगा स्पोर में, तो इसमें जो गैमेटोफाइट बनेगा वो लार्ज साइज का बनता है, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, एंड इसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज द आर्चिगोनी, आर्चिगोनी में इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल मैंने आपको लिख रखे हैं। अब ये देखो सारे के सारे जो होंगे वो एक ही थैलस पे हैं, जो होमोस्पोरस वाले वो जनरली एक थैलस पे रहते हैं, और ये कैसे रहते हैं अलग अलग पे रहते हैं, तो दीज आर द मोनोसियस एंड दीज आर द डायोसियस स्पोर। आई थिंक शायद क्लियर होगा कि मोनोसियस और डायसिस क्या है, तो ये सारे के सारे एक ही थैलस पे ग्रो करते हैं, तो दे आर द मोनोसियस कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन। और ये जो मोनोसियस कंडीशन दैट इज मोर कॉमन, ज्यादातर ये मिलती है किसमें, टेडोफाइटा में।
बेटा जो ये कंडीशन आप पढ़ने लग रहे हो, दिस वन इज द डायसियस कंडीशन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस वन इज द डायसियस कंडीशन, यानी कि यूनिसेक्सुअल है, अलग अलग थैलस के ऊपर मिलते हैं, और जो मोर कॉमन है दैट इज दिस वन, ये ज्यादा कॉमन होगा मोनोसिस। ठीक है बेटा, आफ्टर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर इन केस ऑफ द ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा वी विल डिस्कस अबाउट द स्पोरोफिल। स्पोरोफिल अभी हमने देखी थी, एक बार इसको फिर से डिटेल में देखते थोड़ा सा, स्पोरोफिल है क्या? देखिए वो लीफ जो स्पोर बनाना स्टार्ट कर दे, है ना, वो लीव्स जो स्पोर बनाती है उन लीव्स को हम स्पोरोफिल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोज लीव्स विच मेक स्पोर नोन एज स्पोरोफिल, उसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। सिंपल लीफ होती है जो स्पोर नहीं बनाती है, लेकिन अगर मान लो मॉडिफाइड लीफ हो गई, जैसे कि टेरिडोफाइटा में हो रही है, आगे जिम्नोस्पर्म में होगी, तो जब कभी भी लीफ स्पोर बनाना स्टार्ट कर दे तो बेटा उसको हम सिंपल लीफ की बजाय स्पोरोफिल टर्म से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते। ठीक है, और जो स्पोर बनेंगे यहां पर वो बनेंगे ऑन द लोअर साइड, वो भी डिटेल में देखेंगे अभी। अब इनके छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं, जिसे मान लो ये एक लीफ है कोई भी, ठीक है, स्पोर जो बन रहे हैं वो नीचे की तरफ डेवलप होने लग रहे हैं, तो दिस वन इज द स्पोरेंजिया, और ये लीफ अब क्या कहलाएगी, दिस वन इज द स्पोरोफिल। अगर ये स्पोरोफिल कंपैक्टली अरेंज हो जाए, टाइटली पैक हो जाए, तो कंपैक्ट मास से जो चीज बनती है दैट इज नोन एज द कौन या फिर स्ट्रोबिलस बोलते हैं। अगर एक है तो क्या बोला है, स्पोरोफिल बोला है। बेटा अगर ऐसे मान लो बहुत सारे स्पोरोफिल कंपैक्टली अरेंज हो जाए, मान लो ऐसे यहां पर कोई एक कंपैक्ट मास बनने लग गया, ठीक है, कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर बनने लग गई जिसमें जो लीफ है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास पास क्लोज आ गई, तो ये जो स्ट्रक्चर है नाउ दिस वन इज नोन एज द कौन या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं, नोन एज द स्ट्रोबिलस। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल जो एक लीफ थी उसको हमने बोला स्पोरोफिल, सिंपल ही नोन एज द स्पोरोफिल। कंपैक्ट अगर उसकी स्ट्रक्चर बन गई तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कौन या फिर स्ट्रोबिलस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये कौन या फिर जो स्ट्रोबिलस रहेंगे वो अलग अलग टाइप के रहते हैं। अगर बेटा लीफ छोटी है तो बनता है माइक्रो स्पोरोफिल, और बड़ी होती है तो उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं, जिससे मेल और फीमेल कौन की फॉर्मेशन होती है। अगर स्मॉल लीफ है तो उसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफिल, एंड दैट स्ट्रक्चर इन द मेल कौन, वो मेल कौन बना देगी आफ्टर कॉम्पैक्ट नेचर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो लार्ज लीफ है तो उसको बोलेंगे मेगा या फिर मैक्रोस्पोरोफिल, और उसका कॉम्पैक्ट नेचर क्या बना देगी, फीमेल कौन की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, ये आप जिम्नोस्पर्म में भी बार बार ये टर्म्स डील करो। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होंगे दे विल बी मल्टी सेलुलर इन द जैकेटेड। ठीक है, तो जो सेक्स ऑर्गन है, नेक्स्ट इज द सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। इनके अंदर क्या बनेंगे, गैमेट बनना स्टार्ट होंगे। कौन कौन से हैं, हमने पहले भी पढ़ा था ब्रायोफाइटा के केस में, एंथ्रेडियम,
एंड द आर्किगोनियम। एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम के नीचे स्टाक भी प्रेजेंट होगा जो उसको अटैच करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। एंड फीमेल ऑर्गेनिन ऑन द आर्किगोनियम जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर स्टाक क्या होगा बेटा, अब्सेंट होगा। एंथ्रेडियम से फॉर्मेशन होगी किसकी, एंथ्रेजोइड की फॉर्मेशन होगी, जो मेल गैमेट है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर जो एंथ्रेजोइड है, एंथ्रेडियम से बनेंगे एंथ्रेजोइड्स, और जो एंथ्रेजोइड्स है बेटा वो दो टाइप के हो सकते हैं। वहां पर दो फ्लैजला हो सकते हैं, अगर दो फ्लैजला हैं तो टू फ्लैजलेटेड एंथ्रेजोइड, ठीक है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि यहां पर जो एंथ्रेजोइड बने उसमें बहुत सारे फ्लैजला हो, दिस वन इज द मल्टी फ्लैजलेटेड एंथ्रेजोइड। तो दो टाइप की इधर फॉर्मेशन हो सकती है। आर्किगोनियम में आपको पता ही है, जैसे आपने ब्रायोफाइटा में देखा था कि यहां पर वेंटर होगी और साथ में नेक कैनाल सेल भी होगी, ठीक है, नेक भी होगी और वेंटर भी होगी। तो आर्किगोनियम कंटेन द नेक एंड वेंटर, नेक और वेंटर है। नेक के अंदर बेटा एक से लेके 14 एनसीसी की सेल हो सकती है, 1 to 14 एनसीसी, दैट इज नेक कैनाल सेल एक से लेके 14 हो सकती है। ये वेरी करेगी कि एक किसमें और 14 किसमें, वो भी देखते हैं। वेंटर के अंदर हमेशा एक वीसीसी मिलेगी वेंटर कैनाल सेल, और एक क्या मिलेगी, एग सेल मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन क्या बनाते हैं, आर्किगोनियम बनाता है। अब जो देखो 1 एनसीसी है वो किसमें है, इनके शब्द डायोटेरिस, डायोटेरिस, और जो 14 एनसीसी है बेटा वो किसमें, इन लाइकोपोडियम के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए जो नंबर है वो वेरिएबल है एक से लेके 14 तक, ये बेटा कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है जो आपसे पूछ सकते हैं। इसके केस में जो नेक की जो जैकेट है, जो नेक है वो 4 वर्टिकल रो से बनी हुई है, नेक कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिकल रोज, 4 वर्टिकल रोज से वो बना, ठीक है। और बेटा यहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की भी रिक्वायरमेंट होगी, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर पानी की रिक्वायरमेंट हो फर्टिलाइजेशन के लिए तो दैट कंडीशन नोन एज द जुडोगेमी, उसको हम जुडोगेमी बोलते हैं, ठीक है। इफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन दैट कंडीशन नोन एज द जुडोगेमी। बेटा देखिए यहां पर हमने टर्म यूज करी, दैट इज जुडोगेमी। अगर वाटर की रिक्वायरमेंट हो फॉर द फर्टिलाइजेशन तो दैट कंडीशन इज नोन एज द जुडोगेमी। जैसे हमने पढ़ा था इन केस ऑफ द ब्रायोफाइटा के वाटर के अंदर कुछ केमिकल ऐड हो जाते हैं और उस केमिकल के मूवमेंट की वजह से हम कीमोटैक्टिक वर्ड यूज करते हैं। तो हमने टर्म देखी थी लास्ट वन, दैट इज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अगर किसी भी केमिकल मैसेज की वजह से पूरी की पूरी कंप्लीट सेल मूव करे तो दैट इज नोन एज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। व्हेन कंप्लीट या फिर
होलसेल गेट मूवमेंट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस दैट इज नोन एज द कीमोटेक्टिक मूवमेंट। अगर मान लो सिर्फ सेल का एक छोटा सा कोई पार्ट मूव करे स्टिमुलस की वजह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द कीमोट्रोपिक मूवमेंट। अगर कोई छोटा सा पार्ट मूव करे तो कीमोट्रोपिक, अगर पूरी की पूरी सेल मूव करे तो उसको हम बोलते हैं कीमोटेक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर से इधर लिख रहा हूं एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमने पहले देखा था। दूसरा पॉइंट आता है दैट इज कीमोट्रोपिक मूवमेंट। वेन ओनली पार्ट ऑफ ए सेल शो मूवमेंट तो उसको आप कीमोट्रोपिक मूवमेंट बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि पोलन ट्यूब के अंदर, बेटा ये पोलन ग्रेन है, पिस्टल के ऊपर सेट ऑफ हो गया, यहां से सिर्फ और सिर्फ इसकी पोलन ट्यूब ही मूव करती है, पूरा का पूरा पोलन ग्रेन मूव नहीं कर रहा है। दैट इज नोन एज द कीमोट्रोपिक मूवमेंट। इसको आप कीमोट्रोपिक मूवमेंट बोलते हो। बेटा यहाँ पे कीमोट्रोपिक मूवमेंट बताया है जैसे कि पोलन ट्यूब में होगा। यहाँ पर टाइड ऑफ आइटम अट्रैक्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होंगे लाइक मैलिक एसिड इन द डायोटाइट्स इन द सेलेजिनेला एंड द सिट्रिक एसिड इन द लाइकोपोडियम। आई होप टाइड ऑफ आइटा के जनरल फीचर आपको क्लियर होंगे। वीडियो भी कंप्लीट नहीं है, एक वीडियो और इसको डील करेगा अबाउट, तो वहाँ पर ये कंप्लीट होता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आई होंगी, तो वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।